तो हमारा जो काम है कि मैं एक सेल, सबसे पहले मैं इस पे डिस्कस करना चाहूँगा कि पर्टिकुलर एक सेल पे हम डेटा कैसे लिखेंगे। तो चलिए उसके लिए माइक्रो प्रोग्रामिंग करते हैं, इंसर्ट मॉड्यूल्स, और यहाँ पे देते हैं सब्जेक्ट आर आर। अगर मुझे मान लीजिए ए टू पे वैल्यू लिखना है, तो ए टू पे वैल्यू लिखने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे रेंज ए टू चाहे ए वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नेम। या दूसरा हमारे पास है, दूसरा तरीका है, मैं लिखूंगा रेंज बी टू बी वन डॉट फॉर्मूला इक्वल टू, जो भी लिखना चाहते हैं मैंने लिख दिया यहाँ पे सिटी। या तीसरा तरीका है कि हम यहाँ पे रेंज करें और यहाँ पे लिखे सी वन, और इसमें कोई वैल्यू फॉर्मूला कुछ नहीं लगाए, और यहाँ पे हम कर दें इक्वल टू मार्क्स। तो तीन तरीके हैं, तीन तरीके से आप अपने सेल के अंदर में टाइप कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, ये तो बाय डिफॉल्ट आपका वैल्यू होता है, ये फॉर्मूला और वैल्यू में अंतर नहीं है। अंतर कब तक नहीं है? अगर आप एक वैल्यू डाल रहे हो तो अंतर नहीं है। अब मान लीजिए कि मार्क्स मैंने यहाँ पे दे रखा है 255 प्लस 51। अब मुझे इस मार्क को F2 में डालना है, सिर्फ F2 पे डालना है। मैं मान चाहता हूँ C2 की वैल्यू F2 पे आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, कमेंट बना दिया मैंने इसको। उसके लिए क्या होगा कि मैं लिखूंगा रेंज जिस पे वैल्यू जानी है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, कि F2 डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज C2 डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे जो जाएगा क्या जाएगा, सिर्फ यहाँ पे इसका वैल्यू जाएगा, फॉर्मूला नहीं जाएगा, कॉपी एज ए वैल्यू पेस्ट होगा, मतलब वैल्यू जाएगी इसकी, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू किया। अगर मैं C2 की वैल्यू ना करूँ, C2 की फॉर्मूला कर दूँ, फॉर्मूला, तो क्या होगा, तब इसका फॉर्मूला उठ के जाएगा। तो आप अगर डाल रहे हो फॉर्मूला वैल्यू तो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई सेम चीज डलेगी, लेकिन अगर आप कहीं से रिट्रीव कर रहे हो तो रिट्रीव में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है सर, तो दिक्कत हो सकती है। तो यहां पे अगर मैं कुछ ना डालूं तो क्या होगा, तो यहां पे डायरेक्ट वैल्यू जाएगा। तो डायरेक्ट वैल्यू जाता है, अगर हम फॉर्मूला चीज डालते हैं तो फिर फॉर्मूला आ जाता है। तो एक एक तो हमने कैसे डाला, हम अगर मैनुअल टाइप करना है तो मैनुअल टाइप करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, अगर हमें वैल्यू टाइप करनी है कहीं किसी और सेल से उठाना है तो इस तरह से उठाएंगे। अब चलिए इस पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं, इससे आगे फिर इस प्रोजेक्ट को आप आगे कंटिन्यू करोगे। तो हमारे पास फॉर्म यहाँ पे, अब देखिए मैं चाहता हूँ कि इसमें जो एंट्री करूँ, इस एंट्री को मेरे डेटा के एक के नीचे आता चला जाए, जो भी एंट्री करता हूँ। तो उसके लिए चलिए हम करेंगे, हम करना क्या चाहते हैं, डेटा के अंदर इसके अंदर यहाँ पे, तो पहले कर्सर को यहाँ पे लाना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम शीट्स, और इसके अंदर हम देंगे डेटा, सीट का नेम डॉट, मैंने बोला रेंज, और मैं रेंज को बोला कि तुम A 65,000, लास्ट क्लास से मैंने डिस्कस की थी इस पर, डॉट एन, और फिर मैंने बोल दिया एक्सेलस अप, ऊपर की वैल्यू, डॉट ऑफसेट 1,0, डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज
A2 की वैल्यू। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले आपका डेटा शीट के इसमें जाएगा, कर्सर नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर आएगा कंट्रोल के साथ करके, और फिर एक सेल नीचे आएगा। तो हमेशा जो लास्ट ब्लैंक सेल पे आएगा। तो ये जो लाइन मैंने लिखा इसे लिखा कि भाई नीचे से ऊपर जाओ और एक कर्सर नीचे आए। ऑफसेट कर्सर को मूव करने के लिए यूज करते हैं। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब मैं इस पे यहाँ पे जीरो कर देता हूँ नेक्स्ट टाइम में, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में मान लो कि एक बार नाम, मान लो नाम जो है वो रवि फिल हो गया यहाँ पे, तो नेक्स्ट टाइम जो नीचे से ऊपर जाएगा तो रवि के पास जाएगा, तो ये आगे बढ़ेगा ना कि नीचे आएगा। टू एस इन थ्री ये जीरो मगर दीजिए, इसको जीरो रहेगा, ये जीरो रहेगा और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे हो जाएगा आपका थ्री। और ए टू ये आपका हो जाएगा बी टू, ये हो जाएगा आपका सी टू, ये आपका हो जाएगा डी टू। तो यहाँ पे आपका ए टू बी टू सी टू डी टू। अब मैं यहाँ पे एक इसमें डेवलपर टाइप में जाके एक बटन डिजाइन करता हूँ। अब बटन डिजाइन करने के बाद इस पर उस पर्टिकुलर माइक्रो टीटी वाले मैक्रो को असाइन करके ओके कर देता हूँ। इस बटन के एडिट टेक्स्ट में करना है तो एडिट टेक्स्ट यहाँ मैंने लिख दिया सेंड सेंड। अब मैं इस पर कोई फिल करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंदर सिटी दिल्ली, मार्क्स ग्रेड मैंने ये बोल दिया सी। जैसे सेंड पे क्लिक करूँगा इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, डिबग आएगी। ओके, ऑफसेट में डबल एफ होता है इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ गई। स्पेलिंग मिस्टेक है क्योंकि ओ बड़ा नहीं हुआ था, आपको चेक कर लेना चाहिए था। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे डेटा इसके नीचे आ गया। अगर मैं दूसरा डेटा करता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे मुकेश दिल्ली में और यहाँ पे 70 80। तो यहाँ पे देखिए मुकेश आ गया और कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, तो इसके नीचे आप मैसेजेस MSG बॉक्स डाल सकते हो कि योर डेटा हैव बीन स्टोर। तब क्या होगा, जैसे मैं इस मैसेज पे, जैसे मैं यहाँ पे फिल करूँगा, मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया नीरज, नीरज दिल्ली के अंदर में, यहाँ पे डाल दिया 65 और यहाँ पे डाल दिया 20। और जैसे क्लिक करूँगा तो कन्फर्मेशन मैसेज देगा। अब कन्फर्मेशन मैसेज देने के बाद क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से डेटा क्लीन हो जाए, पूरा डेटा क्लीन हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा रेंज A2 से D2 डॉट क्लियर कंटेंट। तो इससे क्या होगा कि जब मैं इसमें एंट्री करूंगा तो ये डेटा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा फॉर्म हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे पुनीत का एंट्री कर देता हूँ सेम चीज में, क्लिक किया, कंफर्मेशन किया, ओके किया और यहाँ पे देखा आपने, ठीक है, क्लियर हो गया। देख फॉर्म की तरह हो गया और डेटा एक के नीचे आपके इसमें स्टोर होते चला गया। एक बार कोडिंग समझ लीजिए, कोडिंग में कोई डाउट है तो बताइए, कोडिंग में कोई डाउट है आपको। पुनीत जी कोई डाउट है, डाउट है आपको?
क्या? इस कोड में क्या दिक्कत है बता सही, किसमें समझ में नहीं आ रहा आपको? देखो यहाँ पे एक एक सुनो, मैं पूरी बात मेरी मेरा हाँ, जहाँ पे डेटा जाता है वो लेफ्ट साइड में होता है, डेटा जहाँ से आता है वो राइट साइड में होता है। तो डेटा मुझे भेजना यहाँ पे है, डेटा हमें क्या यहाँ भेजना है, और डेटा आ कहाँ से रहा है, यहाँ से आ रहा है। हाँ हाँ क्या लगातार 5 सिटी? हाँ हर एंट्री का फॉर्म तो एक फॉर्म एक ही के लिए वर्क करता है ना, अब 5 कर रहे हो तो फिर 5 लिए कोड करना पड़ेगा ना आपको। ये तो मैंने इस सर नहीं, तो ये चीज़ के लिए फिर आपको फिक्स करना पड़ेगा, 5 करना चाहते हो 10 करना चाहते हो फिक्स करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको 5 इसको 5 बार रिपीट करना पड़ेगा इस सेम कोड को, और यहाँ पे इसकी एड्रेस चेंज करना, ये तो सेम रहेगा, इसकी लास्ट साइड की एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, पहले 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 ऐसे हो जाएगा। जब एक के नीचे नहीं, जब एक आपको अगर कंटिन्यूअस डेटा लिखना ही है तो फिर आप इस मेथड में क्यों यूज कर रहे हो, आप डायरेक्ट सीट पे लिख दो, आप डायरेक्ट इसी में लिखो ना फिर। ये तो इसलिए बने मेथड है, ये इसलिए बताता हूँ आपको क्या क्यों है, जो आपके पास फॉर्म वगैरह होगा ना, जो आपके फॉर्म वगैरह है उस फॉर्म के लिए इसका यूज करते हैं हम, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे फॉर्म सर्च करता हूँ, कैसे कम है सर, बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिकल यूजेज है। अगर किसी से डेटा आपको लेना है, इनपुट लेना है, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। मान लीजिए ना, सुनो क्या है कि मान लीजिए कि आप जो है, जैसे कि एक एक टीम है, क्यूसी टीम है, आप कॉल सेंटर में चले जाइए, क्यूसी टीम क्या करती है कि ये करती है, डेटा एनालाइज करती है, जैसे कि उसको उसने कॉल सेंटर में, मान लीजिए कॉल सेंटर क्यूसी टीम का क्या काम होता है कि वो 10 या 20 या 100 रिकॉर्डिंग्स लेते हैं कॉल की, और कॉल की रिकॉर्डिंग्स के बारे में सुनते हैं, तो उसका डेटा तो मेंटेन करते हैं ना कहीं, तो जब कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स उनको सुनने के लिए मिलता है तो उसके पास ऑलरेडी एक बनाया बनाया फॉर्मेट आता है, ठीक है, वो उसका बंदे का एम्प्लॉय को डालते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग के लिंक पूरी खुल, जैसे ये फॉर्म दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे मान लो कि सब चीज़ है, यहाँ पे मैंने नंबर, यहाँ पे नंबर एंट्री किया, नंबर एंट्री करते ही यहाँ पे बाकियों के डिटेल्स आ गए, आ गए पूरे डिटेल्स। अब मुझे जिसको चेंजिंग करने हैं या अपडेट करना है, अपडेट किया, बटन पे क्लिक किया, मेरे डेटाबेस में अपडेट हो गया, या फिर किसी से आप डेटा एंट्री लेना चाहते हो तो इस फॉर्म को फिल करेगा और सबमिट पे क्लिक करेगा, डेटा आपकी किसी अनदर शीट में या फिर किसी अनदर फाइल में सेव हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि आप सैलरी क्या बोलते हैं, अटेंडेंस सैलरी या फिर इंक्रीजमेंट का डेटा एंट्री करवाना चाहते हो, और डेटा एंट्री करने वाला बंदा को एक्सेल बिल्कुल नहीं आता है, अगर उसने गलती से डेटा मान लो चेंज करना था नीरज का और चेंज कर दिया इंदर का, हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं ही समझाने वाला हूँ कि नेक्स्ट डेटा यहाँ पड़ा हुआ है, तो मैं इसको मूव एंड कॉपी करता हूँ। और हर चीज़ के लिए यूज आपके अकॉर्डिंग हो, इसकी ज़रूरत ज़रूरी नहीं है, आपको अभी फिलहाल यूज नहीं समझ में आ रहा है, इन फ्यूचर में समझ में आएगा इसके बारे में यूज। फॉर्म हर जगह अवेलेबल होता है सर, फॉर्म के बगैर ना कोई वेबसाइट चलता है ना कोई सॉफ्टवेयर चलता है, कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बता दो इसमें फॉर्म नहीं है। अगर आपको फॉर्म, अगर आप फॉर्म आप एक्सेल पे बना रहे हो तो अच्छी बात है ना। चलो ये डेटा डी के नाम से सेव कर देता हूँ। अब मेरे डेस्कटॉप पे एक फाइल पड़ा हुआ है डेटा डी का फाइल है,
मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मैक्रो है, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा डेटा इस सीट में ना आके उस फॉर्म वाले सीट पे चला जाए, वो जो डेटा डी का है उसके अंदर चला जाए। तो मैं एक मैक्रो बनाता हूँ सब्जेक्ट TTF के नाम से, और फिर मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर लूँगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हम फाइल में तभी कुछ काम कर सकते हैं जब तक वो ओपन हो, जब तक फाइल को हम ओपन नहीं करेंगे हम काम नहीं कर सकते। तो मुझे दोनों फाइल जिसमें फॉर्म है उस फाइल को भी सेव करना पड़ेगा, दोनों फाइल सेव होना चाहिए। फॉर्म 3 के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, तो मैं फॉर्म 3 का डेटा डेटा डी के नाम से मैं सेव करना चाहता, पहले उस डेटा को ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कीजिए कि वर्कबुक डॉट ओपन, कहाँ से ओपन करें, डी ड्राइव में जाए और डेटा डी डॉट XLSM एक्सटेंशन है ओपन करें। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया अब यहाँ पे पूरा पाथ देना पड़ेगा कि वर्क बुक्स डेटा डी डॉट सीट। ये आपको हर कोड हर लाइन के आगे इस चीज को लगाना पड़ेगा दोनों तरफ। आपको देखिए सीट हो गया तो आपने इसे फाइल का रिकॉर्ड नहीं दिया तो एक्टिव फाइल हो जाएगा, अगर किसी अनोदर फाइल के लिए आपको फाइल का, जब अनोदर फाइल दोगे तो दोनों तरफ देना पड़ेगा आपको, इधर भी देना पड़ेगा। यहाँ पे डेटा डी नहीं है, फॉर्म 3 है ना इसका नाम, फॉर्म 3 है डॉट XLS, और इसके अंदर में सीट का नाम क्या है, फॉर्म है। तो इसके लिए आपको इसका सीट्स भी लेने पड़ेंगे, सीट्स इसके अंदर मैंने दे दिया फॉर्म। अब ए लाइन ए वर्ड आपको हर लाइन से पहले लिखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैसेज बॉक्स आएगा, मैसेज बॉक्स से पहले फाइल को सेव करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज, और यहाँ पे कर दिया मैं ट्रू, मतलब कि फाइल को सेव कर, क्योंकि जो फाइल आपका ओपन है वही एक्टिवेट होगा, जो फाइल हम ओपन करते हैं वो एक्टिवेट होता है। हमने डेटा भेज के और उसको सेव कर दिया, अब बाद में जो चीज़ें चल रही है उसको चलने देते हैं। तो देखिए अब यहाँ मैं कोई डेटा डालता हूँ, मैंने यहाँ पे डाल दिया मान लीजिए नीतू सिटी दिल्ली, सेंड। अब डेटा जो है ये अभी इसी सीट में गया, माफ कीजिएगा अभी इसी सीट में गया, हमने दूसरा फॉर्म लेना चाहिए, दूसरा बटन लेना है ना मुझे, दूसरे बटन पे जो माइक्रो नेम अलग है TTF के नाम से उसको सेलेक्ट करके असाइन करना है। अब मैं इस पे अगर मान लो करता हूँ योगेश दिल्ली, और इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अगर मैं जाऊँ और ओपन करूँ मैं डेटा डी को, तो आप देखिएगा योगेश का डेटा फिल हो गया। तो हमने कोड में क्या चेंजिंग की, जो कोड था उसी कोड को रहा, कोड में मैंने चेंज की, पहले हमने फाइल को ओपन किया और दोनों तरफ हम फाइल का एक्सटेंशन डाल दिया कि डेटा किस फाइल के किस सीट के किस रेंज पे जाना है और किस फाइल के किस सीट से किस रेंज से आना है, ठीक है। प्रदीप जी कोई डाउट, अमित जी समझ में आया, हेलो, ओके। तो ए फाइल दोनों फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ, आप लोग इन दोनों फाइल पे कुछ नया बनाइए और फिर नया बना के मुझे भेजिए।
अपने हिसाब से कुछ नया बनाइए और नया बना के मुझे मेल कीजिए, और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड करके भेज देता हूँ। ठीक है सर, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय, गुड नाइट। हाँ, एक आउट ऑफ इंडिया, लंदन से, एक दिल्ली से।